नीचे आ जा, नीचे नीचे, ये देखो आ गए नीचे। ओह ये देखो, अरे नीचे भी तो गए हैं यहाँ लोग, कहाँ से गए हो? एक माह से यहाँ बैठे हैं ये। अरे हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय व्लॉग। अभी हो रहे हैं शाम के 5 बज रहे हैं अभी, और हम जाने वाले हैं इवनिंग वॉक पे। अभी इसके पानी चलते था, हाँ अभी हमारा जाने का इरादा है यहाँ। यहाँ शारदा नदी टैप बहती है ना, शारदा नदी बहती है और शारदा उसी से निकलने वाली एक नहर भी है, तो काफ़ी बड़ी नदी है, वहाँ जाते हैं। बाकी रास्ते में जो है काफ़ी चीज़ें मिलती है, बंदर कुत्ते या फिर बहुत सारे पुल हैं, तो वो सब दिखाएंगे हम आपको। ये देखो ये भी फुल एक्साइटेड है जाने के लिए। शाम हो गई दोस्तों, अब इनके लिए मौसम बिल्कुल अनुकूल है घूमने के लिए ना, परफेक्ट मौसम। और सामने बंदर होते, जैनी स्टे, जैनी बैक बैक, स्टे बेटो, स्टे बेबी स्टे, बुलाया वापस, पर अभी ज़्यादा सुनेंगे नहीं, मेरे को बहुत हल्ला करना पड़ेगा, इसलिए मैं जाने देता हूँ इन्हें, फिर क्यों देता हूँ, अपने आप जाएंगे अभी बंदरों के पीछे। वो देखो बस अब होगा धमाका, तो बंदर पहले वार्निंग देने लग जाते हैं, जैसे मैं गेट खोलता नहीं उससे पहले बंदरों की वार्निंग शुरू हो जाती है कि आ गए हैं कुत्ते, साइड हो जाओ। अब मैं पूरे ग्रुप को वार्निंग दे के बता देते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ चले गए। दिक्कत ये है ना बस कि ट्रेन है सामने, और अपने पहाड़ वाले एरिया में तो सब थोड़ा लगभग धीरे ही चलते हैं, तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत होती नहीं है। अब यहाँ क्या है, सब आते ही रॉन्ग साइड है। ये देखो अभी लेफ्ट से गाड़ी डालेंगे यहाँ से, यहाँ टूटी रोड नहीं है तो यहाँ से डालते हैं। ये देखो यहाँ दिक्कत ही यही है, सब कार जो भी फोर व्हीलर भी लाएंगे तो यहाँ से डालते हैं नीचे रॉन्ग साइड से, प्लेन्स में ऐसा ही होता है। ये देखो ये दो मिनट बंदर साफ कर देंगे यहाँ से, बंदर इनको दिख गए ना, ख़त्म है गुस्से में। वीडो बचपन से यही सिखाया है ना दोस्तों, इनकी भी गलती नहीं है। अब पहाड़ों में क्या करें, बंदर को बहुत वो है ना। चलो, और यहाँ हमने एक चीज़ नोटिस की कि यहाँ के कुत्ते बड़े फट्टू हैं, बंदरों से फटती हैं यहाँ के कुत्तों की, जाते नहीं है बंदरों के सामने। मेरे ऐसे हैं कि फ़र्क, मेरा एक अकेला डॉग भी पूरे बंदर के झुंड के सामने चले जाए और उसे फ़र्क ना पड़े, खासकर ये वीडो। एक माह से यहाँ बैठे हैं ये। अरे अरे भाई, उतने ऊपर नहीं चढ़ेगी वो, कहाँ डर रही है इतना नहीं। वो काटे हैं उसके अंदर घुसने की, मत सोचना गलती से भी, पोस्टर बन जाएगी। चलो दौड़ने का फायदा ये होता है दोस्तों, देखो बन गया प्रेशर, बस क्लियर। विड़ो ओ बेला कम, वो आंटी डर गया, आ जाइए आंटी जी, कुछ नहीं करते बिना कमांड के। अब जा रहे हैं हम यहाँ को उस साइड, कहीं इसको जो ये क्वार्टर दिख रहे हैं इसके उस साइड नदी बहती है ना, हाँ उस साइड एक नदी अपनी सरयू, कौन सी, शारदा नदी, सॉरी शारदा नदी बहती है उस साइड। वो कहाँ गई बेला, बेला का भी प्रेशर बन गया है। देखो यही फायदा होता है दौड़ा के, तो बहुत लोग बोलते हैं कि डॉग अंदर पॉटी कर रहा है, ये या बाहर ले जाते हैं तो उस समय पॉटी नहीं करता है, अंदर लाते हैं कर देता है। तो भैया लंबी एक्सरसाइज कराओ डॉग को, 3-4 किलोमीटर दौड़ाओगे तो वो नहीं करेगा कभी भी अंदर पॉटी, उसका भारी प्रेशर बन जाएगा। ये डंडा पकड़ लिया हाथ में क्योंकि गाड़ियाँ आती हैं, तो जैनी स्टे, गाड़ी आ रही है जैनी। ये देखो साथ चल, यहाँ अब मैं साथ चलाऊँगा ना, इसलिए साथ, हाँ स्टे, अब मैं साथ चलाने के लिए ज़रूरी है कि एक डंडा हाथ में लेना जरूरी है, बोल के बोलते बोलते गला खराब हो जाता है, इसलिए पतला सा डंडा है, इसे लगे ये सूखा डंडा है, अगर मारूंगा तो टूट जाएगा। बाला वेलकम, रूट तो काफ़ी अच्छा है, ऐसी बात नहीं है, अभी अच्छा लगता है, व्यू बहुत अच्छा आता है यहाँ से। एक रस्सी लानी चाहिए थी, मेरे को लगा ही नहीं था मैं इतने दूर आऊँगा करके, मैं रस्सी लाया भी नहीं, कम से कम बेला को बात देता। अब जैनी स्टे, जैनी स्टे, हाँ सर चलो सर आओ, हाँ अब देखो रूट खाली है तो बिल्कुल बीच में चल रहे हैं, अब क्या बोलें, ठीक है फिर अब बिल्कुल अपने पैरों के पास चलाऊँ, कितनी देर तक चलाऊँ अच्छा भी नहीं लगता है, उनको भी आज़ाद घूमने का हक है भाई। और ये आर्मी के एरिया है, ये देखो ये पूरी छाव नहीं, देखो दिख रही होंगी तार बार। दोस्तों जाते आते अभी अचानक ऐसे कैमरा पकड़ा था, पीछे देखा पीछे से एक और कुत्ता आ रहा है, वो तो अब बहुत बड़ी चुनौती है, इनको साइड करके उसे जाने देते हैं। ओए ये जैनी और बेला पक्का हरकतें करेंगे, मुझे पता है, गाड़ी आ रही साइड हो, पहले जैनी कम, जैनी साइड हो, हाँ उनको जान देते हैं, बेबिस्टे उसको निकलने देते हैं, देख ले डंडा, नो शैतानी, स्टे बिल्कुल सख्त वार्निंग दे रहा हूँ, अगर मैं थोड़ा सा भी हंस देता या कुछ बोलता ना, ये देखो ये कर रहे हैं ऐसा कर रहे हैं, ये सीधे चले जाते हैं, कैमरा देखते ये दिक्कत होती है, इसलिए बिल्कुल सीरियस हो गया था। ये देखो ये जो दिख रहे हैं ना आपको, ये है नहर, नहर है ये, इसके आगे थोड़ा आगे जाके फिर आती नदी, और नहर भी काफ़ी बड़ी है, ऐसी छोटी मोटी नहर नहीं है। और ये रहे अपने बच्चे, ये देखो
मस्त सूंघते हुए घूमते घामते हुए आ रहे हैं। ये पहुंचे हम नहर में, ये है आपका नहर वाला एरिया, ये वो पुल दिख रहा है देखो। जनिस्टे आगे नदी है, गिर मत जाना वहाँ, मुड़ के कही कि जनिस्टे बोला वीडियो रुक गई, मैं टकराने वाला था वीडियो से। ये है देखो दोस्तों नहर, ओह ये देखो लग रही है, देखो नहर लग रही है, नदी इतनी कई बड़ी है। ये देखो ये जल्दी से भी मत चले जाना वहाँ, बाय गॉड ऊपर आने के लिए कुछ है ही नहीं यहाँ। ये है पुल और इसके थोड़ा आगे वहाँ है नदी, और नदी तो क्या ही बताऊँ, जब ये इतनी बड़ी तो सोचो नदी कैसी होगी। ओहो पुल में भी एक डॉग है देखो, वहाँ से देख रहा हूँ यानी स्टे यानी गिरेगी वहाँ, कहाँ जा रही है मूर्ख, उस वहाँ जानी जा, वो देखो कैसे देख रहे हैं फिर चलो मेरे। स्टे नो ये भी सोचना भी मत, अब ये दिक्कत है देखो, ये मैंने छुड़ाया ये यहीं आ गया, जाओ उधर चल 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 परेशान करो, चलो विडो नो पंगा नहीं। ये तो नदी से डर रही है, फुद्दू फट्टू देखो, ये फट्टू गाल देखो, ये कुछ नहीं है, चल काफ़ी प्यारा व्यू आ रहा है, ऐसी बात नहीं है ना। वो है देखो नदी, अगर आप देख पा रहे हो तो वो है नदी, देखो ऐसे दिखाता हूँ, ये देखो ये पूरी नदी है दोस्तों, अभी वहीं जाके दिखाते हैं। ऊपर जा रही है नहर, नीचे जा रही है नदी, रोड में सीधी नहीं दिख रही, हाँ ऐसा बिल्कुल लग रहा है सीधी है नदी। ये पहुँचने वाले हम नदी में, जैनी तो कितना आगे चली, देखो जैनी इस्ते लोग मार ले, और लोग आप भी बैठे हमारे पर, मस्त नदी का आनंद ले रहे हैं, नदी का क्या आनंद लेते हैं, व्यू का आनंद ले रहे हैं मस्त। थोड़ा आगे जाके देखते हैं, यहाँ पे लेडीज़ें बैठी हुई हैं, तो वो हल्ला होगा, भले कुछ तो कुछ करें ना करें, वो हल्ला जरूर करेंगे। हाँ वो देखो सामने पहाड़ दिख रहा है आपको, देखो ये देखो नदी क्या लग रही है, देखो शांत है लेकिन खतरनाक है बिल्कुल, ये तो बारिश का मौसम है ना, फुल आ रही है अपने फुल उसमें। यानी स्टे नो वहाँ मत जाना, नीचे मत जाना, नो वापस आ, ये देखो ये, अरे नीचे भी तो गए हैं यार लोग, कहाँ से गए हो, ये देखो ना ना गंदे हो जाएंगे यार, फिर कभी गंदे हो जाएंगे फिर वैसे ही है। ये है देखो दोस्तों नदी का व्यू, अगर पानी कम होता तो इनको मैं नदी में ज़रूर भेजता, लेकिन पानी अभी बहुत उफान में है तो ऐसा रिस्क नहीं ले सकते अभी हम। तो दोस्तों ये रही नदी, और अब नदी मैं भेज तो सकता हूँ नहीं, नदी में पानी बहुत उफान में है, तो अब वापसी करते हैं, जा रहे हैं वापस। ये हैं अपने बच्चे, रास्ते में बंदर अंदर दिखेंगे, पता है वहाँ इन लोगों ने करनी है नोटिंग की, तो वहाँ कुछ थोड़ा बहुत मिल जाएंगी, थोड़ी वीडियो शूट कर लेंगे, बाकी अगर पानी कम होता तो ज़रूर भेजता मैं इन्हें, पर अभी तो ऐसा ही है सीन। वापस जा रहे थे दोस्तों सामने, फिर वही डॉग मिल गया बेचारा, इसकी भी क्या गलती, ये भी यहीं रहता होगा, ऊपर से निकलते हैं हम, यानी लो साइड आओ, हाँ हम इस साइड चलते हैं, उसी साइड रहने दो, बस वो ना आए इस साइड, बेला कम यानी दादागिरी नहीं आ पूछ, ये बाल खड़कने लग जाती हैं आगे, हाँ जब अटैकिंग मोड में आते हैं ना बाल लाल खड़े हो जाते हैं, बेला कम, बेला के साथ बड़ी दिक्कत है, बेला जल्दी आ कम, पलटी मार रहा है देखो, बेबी ने देखा वो खिसक लिया, चलो बढ़िया है ना, पंगा हुआ ना कुछ, सीधे चलते रहो जल्दी, नहीं कुछ नहीं करेगा, ये भी सही है अपनी लात मार रहे हैं उसको। ये वापस उसी रोड में आ गए हैं दोस्तों, जहाँ यहीं से आए थे हम अभी आते टाइम, ये रहे अपने बच्चे देखो, तो एक ही जगह में सूखने में पड़े हुए हैं, जल्दी बेला, अरे हर जगह इसको इसको करनी है बस, वो कौन सा डायलॉग है, अरे इतनी सुस्ती इतनी सुस्ती लाते कहाँ से हो, तो नीचे चलना पड़ा ताकि ये लोग भी साथ चले अपने, ना दिक्कत ना हो, हमें भी दिक्कत ना हो और बाकी लोगों को भी दिक्कत ना हो, प्यार से चल रहे हैं देखो, कोई मतलब एक के पीछे चल रहे हैं, अब कोई चीज़ दिखेगी बंदे अंदर फिर ध्यान देना पड़ेगा स्टे, और उसमें भी अगर ये मतलब समझते हैं कि मालिक कितना सीरियस है, अगर मैं सीरियस नहीं हूँगा इस्टे बोलूँगा तब भी नहीं सुनेंगे, चल देंगे, मैं जब तक चिल्ला के ना बोलूँ, थोड़ा डरा के थोड़ा अपना
गला ख़राब ना करूँ, गले में मेरे दर्द ना हो, तब तक नहीं सुनते, तब तक सीरियस नहीं होते। सर जाओ कम नीचे, नीचे बोला नीचे आ जा, नीचे नीचे मेरे को आ गई। नीचे ऐसा नहीं है मेरी बीगल कहना नहीं मानती है, मानती है पर जब उसका मन होता है तब मानती है। पीछे आंटी जी बोल रही है सारी वैरायटियाँ हैं, बाबरे कितने सारे हैं, सारी वैरायटियाँ हैं, और वो बोलिए एक डंडे से चारों कुत्ते संभाल लाए। साइड जाओ जल्दी जल्दी जल्दी, हाँ बेटो गाड़ी रही तू भी साइड, सब साइड चलाओ। ऐसे घुमाता हूँ दोस्तों ऑफिस देने, बहुत एनर्जी यूज़ कर वेस्ट करनी पड़ती है, यूज़ क्या बहुत एनर्जी यूज़ होती है, बहुत चिल्लाना पड़ता है, बहुत बोलना पड़ता है, लेकिन घुमा लेता हूँ। तो सामने टायर फटा है, देखो इसको कैसे जाने की हो रही है, टायर फटा है बाबू, और कुछ नहीं हो, देखो धुआं देखो कैसे निकला टायर से, देखो अब रुकना पड़ेगा दोस्तों, स्टे स्टे बोलते, देखो कैसे रुके, बैक जानी बैक। मैं ट्रेनिंग देता हूँ घर पे, खुद से दी है ट्रेनर भी, थोड़ा ट्रेन चलना पड़ता है, गाड़ी आ रही है पहला चढ़ जाओ, ये एक बार बोलने में साइड हो जाते हैं, बहुत बहुत मेहनत लगी इनके पीछे। तो दोस्तों पहुंच गए घर, अब तो मैं भी थक गया हूँ, इनकी भी हालत टाइट हो गई है, ये देखो पानी वानी पिलाते हैं इन्हें, तुरंत तो घुमा के पानी नहीं पिलाना चाहिए, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे उसके बाद इन्हें पानी पिलाते हैं, और अब ब्लॉग यहीं ख़त्म करेंगे, बाकी ऐसे प्यार बनाए रखना, पूरा अगर पूरा ब्लॉग देख लिया तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखना अपना।